हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइफ में। आज हम हैं एक ऐसी धरती पर जिस धरती ने डेढ़ दर्जन स्वतंत्रता संग्राम में अपने रणबांकुरों को उतारा था। जी हम बात कर रहे हैं अमीला की उस क्रांतिकारी धरती की। इस अमीला की क्रांतिकारी धरती ने जहां आजादी के आंदोलन में फ्रांसीसी हुकूमत को धूल चटाई, उनके दांत खट्टे की, उसके बाद आजादी के बाद राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों में भी अमीला के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसी में एक बड़ा नाम है अलगू राय शास्त्री। वो आदमी आजादी का योद्धा था, उसके बाद राजनीतिक सामाजिक सुधार का एक प्रणेता हुआ। उसको इस जो आज वर्तमान में घोसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, उस टाइम आजमगढ़ पूर्व संसदीय क्षेत्र था, वहां से आजाद भारत का प्रथम सांसद देने का काम इस क्षेत्र के लोगों ने इस गांव से किया। इस अमीला की क्रांतिकारी धरती को घोसी लाइव की टीम नमन करती है। इस धरती के इस लाल ने आजादी के आंदोलन में तरुणावस्था में, इनका जन्म मैं बता दूं कि 29 जनवरी सन 1900 को इसी अमीला के कोट मोहल्ले में हुआ था, और उन्होंने मात्र 20 वर्ष की आयु में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और अपने विद्यार्थी जीवन में ही अपने अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत किया। उसके बाद सांसद हुए, राज्यसभा में गए, विधानसभा गए, विधान परिषद हुए गए, लेकिन आज मुझे लगता है कि उस धरती को कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के साथ शासन प्रशासन की उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। आज हम उनके घर पर आए हुए हैं। हम चाहेंगे कैमरामैन को कि ये उनका घर थोड़ा सा दिखा दें। ये आज़ाद भारत के घोसी संसदीय क्षेत्र के प्रथम सांसद अलगू राय शास्त्री जी का मकान है। हम उस विरासत को देख रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उस आज़ादी के रणबांकुरे को के साथ किस तरह का जन प्रतिनिधियों द्वारा शासन प्रशासन द्वारा उपेक्षा का शिकार किया गया। आइए हम उनसे कुछ लोगों से बात करते हैं। हम इस वक्त हैं घोसी संसदीय क्षेत्र के प्रथम सांसद रहे अलगू राय शास्त्री के दरवाजे पर। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके नाम पर क्या हुआ और क्या चाहते हैं आप। हमारे बात करते हैं कुछ लोगों से। शुभ नाम आपका क्या पड़ेगा? देवेंद्र राय। अलगू राय शास्त्री के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं आप। जीवन परिचय से लेकर जी, पंडित अलगू राय शास्त्री जी का जन्म 29 जनवरी 1900 ईस्वी को इसी अमीला की पावन भूमि में माता कमलपति देवी और पिता द्वारिका राय के घर हुआ था। माता बड़ी विदुषी महिला थी और उसकी छाप शास्त्री जी पर भी पड़ी, क्योंकि जिस दिन शास्त्री जी का जन्म हुआ उसी दिन परिवार में बिलगाव हो गया। अच्छा, इसी से उनका नाम अलगू पड़ा। अच्छा। नवजात शिशु जिस दिन धरती पर आया और उसी दिन बंटवारा हो गया, इसी से उनका नाम अलगू पड़ा। पढ़ने में बहुत कुशागर बुद्धि के बालक थे ये, और सारी यहाँ प्राइमरी स्कूल अमीला से, प्राइमरी करने के बाद जूनियर हाई स्कूल घोसी से मिडिल की परीक्षा पास करने के बाद हरिश्चंद काले से पंडित निष्कामेश्वर मिश्र के संरक्षण में उन्हों के गुरु थे, वहाँ से उन्होंने हाई स्कूल किया और फिर जब काशी विद्यापीठ की चूँकि स्थापना हो चुकी थी इसलिए स्वदेशी शिक्षा ग्रहण करने की दृष्टि से वो काशी विद्यापीठ के प्रथम स्नातक बने। पंडित निष्कामेश्वर मिश्र के तीन शिष्य थे, डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री जी और पंडित अलगू राय शास्त्री। आज तीनों लोग दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे, और जब उन लोगों का तीनों का प्रवेश काशी विद्यापीठ में हुआ तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी उस दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे और तीनों लोगों ने दर्शन लिया था। और स्वयं डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने जो लिखा है एक पत्रिका में मैंने पढ़ा था कि तीन विद्यार्थी पंडित निष्कामेश्वर मिश्र के जो बड़े योग्य थे हमारे विद्यार्थी बने, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी साधारण बुद्धि के थे, लेकिन पंडित अलगू राय शास्त्री बहुत कुशाग्र बुद्धि के बालक थे।
और वहीं से उनका राजनीतिक जीवन भी प्रारंभ हो गया शास्त्री जी का, काशी विद्यापीठ से ही, क्योंकि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का चल चुका था और उसमें भाग लेने के कारण विद्यापीठ के सभी आचार्य, प्रोफेसर, कुलपत और विद्यार्थी सभी जेल चले गए। विद्यापीठ 2 साल के लिए बंद हो गया, न छात्र थे न अध्यापक थे। और वहीं प्रथम यात्रा इनके असहयोग आंदोलन से हुई। फिर छूटने के बाद 1923 में इन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त किया। फिर लोक सेवक मंडल लाला लाजपत द्वारा स्थापित सर्वेसा पीपुल सोसाइटी के सदस्य बन करके हरिजन उद्धार का कार्य उनको सौंपा गया और उनका कार्य क्षेत्र मेरठ दिया गया। और वहाँ से आज़ादी की लड़ाई तो चली रही थी, सामाजिक जीवन में भी उन्होंने हरिजनों के उद्धार के लिए प्रयास शुरू कर दिया और वहाँ पर कुमार आश्रम और गुरुकुल दारुली की स्थापना किया, जिसमें हरिजन बालकों को शिक्षा दी जाती थी। डॉक्टर रामजी लाल सहायक जो यहाँ के शिक्षा मंत्री थे, पंडित अलगूराज शास्त्री के विद्यार्थी थे, उन्हीं के दामाद यहाँ आए थे। मैं फिर मिलने गया था, ब्रजेश कुमार शास्त्री जी का बड़ा सम्मान करते थे, 1980 की ये बात बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ से उन्होंने अपना जीवन, सामाजिक जीवन भी शुरू किया, राजनीतिक जीवन भी शुरू किया। और 1933 का वो जमाना आया जब ये साइमन कमीशन वगैरह के बाद भी जब नमक सत्याग्रह चला उसमें भी जेल गए, लेकिन जो 1933 में एक सच समय आया कि पंडित अलगूराज शास्त्री का पूरा परिवार जेल के शिक्षे के पीछे चला गया। पंडित अलगूराज शास्त्री, भाई राम लक्ष्मण राय, पत्नी परमेश्वरी देवी, बेटी विद्या और बच्चा अरविंद को गोद में लिए परमेश्वरी देवी, 5 लोग एक साथ जेल में बंद थे। एक बहुत ऐतिहासिक घटना है। और शास्त्री जी का जीवन जब आगे बढ़ा तो 1937 में 1935 के अधिनियम के अनुसार जब इस बात का हुआ कि विधानसभाओं का गठन किया जाए, उसमें लोग चुने जाए, तो शास्त्री जी भी 1937 का चुनाव लड़े थे। और उसमें बड़ी विलक्षण बात थी, कितनी त्याग की बात थी कि इनको मेरठ में ऑफिस वगैरह चाहते थे कि यहाँ से चुनाव लड़े, चूंकि इनका कार्यक्षेत्र था, सब लोग उनको जानते थे। तो उन्होंने परमेश्वरी देवी से कहा, भाई मैं आजमगढ़ से लड़ना चाहता हूँ, यहाँ के लोग दबाव दे रहे हैं कि नहीं आप मेरठ से ही चुनाव लड़िए, तो मैं कहाँ से लड़ूँ। तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना वोट मांगना भीख मांगना है, और जब भीख मांगना है तो क्यों मेरठ में मांगेंगे, चलिए अपनी जन्मभूमि पर मांगिए। और वही निर्णय लेकर के, नहीं तो यहाँ के लोग समझेंगे कि शास्त्री आया था केवल हम लोगों को MLA MP बनने के लिए, तो दिखावा हो जाएगा। शास्त्री जी यहाँ है, बहुत लोग यहाँ कहते थे अलगूराज तो मेरठ का रहने वाला है, यहाँ जीता चुनाव जीतेंगे। नरसिंह शर्मा जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे जोलापुर के, वो उनके सामने सरकारी उम्मीदवार थे। अलगूराज जी यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार थे, गांधी नेहरू के चरणों का पादुका लेकर घूम रहे थे। और उसमें गीत सब गाते थे, अलगू अलग बिलग हो गई हैं जगह मेरठ शहर आना, एक प्रचार होता था। लेकिन उस वक्त का जो वातावरण था वो कांग्रेस के पक्ष में था, और अलगू राज उस समय उत्तर प्रदेश में ये दूसरे विधायक थे जो 23,000 कुछ वोट से जीते थे। एक और वहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में थे जो 28-29,000 से जीते थे, दूसरे नंबर पर पूरे प्रदेश में अलगू राज जी थे। कार्यक्षेत्र इनका यहाँ था नहीं, कर्मभूमि यह नहीं थी, कर्मभूमि तो मेरठ थी, लेकिन उन्होंने यहाँ से चुनाव प्राप्त किया, जीत हुई। 1942 के असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई। नतीजा यह हुआ कि फिर जेल यात्रा करनी पड़ी। और उस वक्त जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस फरार हुए थे, उसी तरह से अलगू राय जी भी यहाँ से चल दिए देश छोड़ने के लिए, लेकिन CID का इंस्पेक्टर उनके पीछे लगा हुआ था और देखा कि पेशावर में सीमा पार कर जाएंगे, तो उसने कहा कि ए भाई अलगू राय जी, तो अभी घर सभी कोई मित्र है घुमा दिए, वहीं पर गिरफ्तारी इनकी हो गई, नहीं तो ये भी देश निर्वासित होकर देश से निकल करके आज़ादी की लड़ाई का भी गुलबजाए होते। तो ये तो उनका एक प्रारूप इसका भी रहा, लेकिन आज़ाद भारत में भी प्रथम सांसद यहाँ से चुनाव लड़े, वो जीते, संविधान सभा के सदस्य बने, संविधान सभा में एक बात मैं आपसे कहूँगा कि उनका एक 35 मिनट का वाचन है जो हिंदी क्यों राष्ट्रभाषा हो, जब दक्षिण भारत को गौर के लोग बहुत विरोध कर रहे थे, इतना तार्किक रहा कि उसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने स्वयं इनकी बड़ी तारीफ किया इनके भाषण की। और लगभग ये इस बात के लिए तय है कि उसका प्रभाव ये हुआ कि भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित की गई, लिपि देवनागरी बनाई गई, नहीं तो बहुत उसका विरोध चल रहा था। इसके अलावा 52 में देखिए जो ये चौधरी चरण सिंह नहर बनाई गई है,
शास्त्री जी के ही कार्यकाल में इसका शुरू हुआ। उस वक्त आया था आपको होगा पटेल आयोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार जिलों का देवरिया, आजमगढ़, वो ये और यहाँ गोरखपुर और जौनपुर का जांच करने के लिए यहाँ की आर्थिक स्थिति, उसका भी घटना बता दें, बहुत लंबा नहीं होगा। ये यहाँ से घमरी जी गाजीपुर से एमपी थे, विश्वनाथ सिंह घमरी, समझे आप, तो वहाँ पर वो यहाँ से चोटा और यहाँ का वो गुबरहा गेहूं अनाज लेकर के वहाँ गए थे, और जिस पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी का वर्णन कर रहे थे, दक्षिण भारत वाले रो रहे थे, गरीब इतनी गरीबी है कि लोग जल चोटा पीते हैं, गोबर निकला हुआ अन्न खाते हैं। तो शास्त्री जी का उसमें यह था कि विश्वनाथ सिंह गहमरी का हुआ तो यहाँ पर पटेल आयोग नियुक्त किया गया, और शास्त्री जी ने उसमें आजमगढ़ जिले को भी समाहित किया, गाजीपुर जौनपुर था, आजमगढ़ नहीं था, आजमगढ़ को समाहित किया देवरिया, और उस पटेल आयोग आया यहाँ के। और जो सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी नहर बनी हुई पंप कैनाल दोहरी घाट, जो चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर है, ये पंडित अलगुर शास्त्री की देन है। अमिला का रेलवे स्टेशन 1938 में उन्होंने ही बनवाया था। बड़ा मतलब उस जमाने में साधन तो कम थे लेकिन इच्छाएं बहुत थी, सर क्या कोई करेगा, लेकिन उसके अनुसार इन्होंने किया। फिर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, 58 में ये राज्यसभा के सदस्य हो गए थे, फिर 60 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बने। अरविंद धुलेकर के खिलाफ संपूर्ण आनंद जी को बुलाया और कहा कि आपको सभापति बनाएंगे, लड़ा दिया रघुनाथ विनायक धुलेकर को, शास्त्री जी हार गए, तो वही उन्होंने जटा अपनी खोल दिया कि अब नंद वंश का विनाश करूंगा और गुप्त वंश को लाऊंगा, चंदन गुप्ता को लेकर के आऊँगा और इनको हटाऊंगा, और वही लड़ाई इनकी शुरू हो गई और हुआ भी, उसमें सफलता भी मिली। इसलिए कह रहा हूँ कि त्रिलोकी सिंह से चंदन गुप्ता जी हार चुके थे लखनऊ में, फिर मौधा चुनाव लड़ने गए तो रानी राजेंद्र कुमारी से हार गए, तो शास्त्री जी ने कहा कि भाई, अरे गुप्ता जी ने कहा, शास्त्री तू भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षता लड़ो, नहीं तो मैं तो दो जगह विधानसभा हार चुका हूँ, गड़बड़ हो जाएगा। तो मुंशर दत्त उपाध्याय को घोषित कर दिया था संपूर्णानंद जी ने अपना उम्मीदवार बना दिया था अध्यक्ष पद के लिए, तो शास्त्री उन्होंने कहा कि संपूर्णानंद जी ने कि अगर मुंशर दत्त उपाध्याय हार जाएंगे तो मैं मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दूंगा, हमारे लिए कोई अभ्यास की जरूरत, अविश्वास की जरूरत नहीं। और नतीजा हुआ, शास्त्री जी ने कहा कि चलो भाई लड़ो, गुप्ता जी कहे हम तो दो जो हार चुके हैं, आप ही लड़िए, कहो मैं दो बार रह चुका हूँ तो मैं क्या लड़ूँ, लड़िए, हम दोनों कंधा से कंधा मिला करके लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और नहीं जीतेंगे तो इसी आपके मोती महल से कूद करके उसमें गोमती में प्राण दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। नतीजा हुआ कि 70-8 से 19 उपाध्याय हार गए, चंदन गुप्ता पर अध्यक्ष चुन लिए गए, तो इस पूरानंद जी ने इस्तीफा दे दिया और चंदन गुप्ता नेता चुने गए और मुख्यमंत्री बने, उसी सरकार में ये वन मंत्री बने थे। देखिए उस अलगू राय शास्त्री जी के बारे में मास्टर साहब ने कितना विस्तृत वर्णन किया, जिससे साबित हो गया कि वह आज़ादी का एक योद्धा था, राजनीति का एक समाज सुधारक था और एक क्रांतिकारी तेवर था। और इतना होने के बाद आज उनके प्रति क्या उपेक्षा है कि उनकी जनपद में एक आदमकद प्रतिमा तक नहीं है, एक छोटी सी प्रतिमा रोडवेज पर है जो मुझे लगता है शासन प्रशासन की उपेक्षा के शिकार के तहत जनपद के लोग भी नहीं जान पाते हैं कि उस रोडवेज पर अलगू राय शास्त्री की प्रतिमा है। उनके प्रति किस तरह की उपेक्षा है उसके बारे में हम यहाँ के एक समाजसेवी हैं विपिन राय जी, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह की शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि द्वारा उनके नाम की उपेक्षा की जा रही है। विपिन राय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका घोसी लाइव में। धन्यवाद आपका। मैं चाहूँगा कि इस धरती ने, आप उस धरती से बिलोंग करते हैं, आज़ाद भारत का प्रथम सांसद इस धरती ने दिया, और जिस तरह भट्ट साहब ने बताया वो बड़ी उच्च क्वालिटी के, वो कानूनविद भी थे, शिक्षाविद भी थे, योद्धा भी थे, राजनीतिक भी थे, और क्या उनके नाम पर कुछ विकास जिस तरह चाहिए उस तरह का विकास हुआ है? जनपद में उनकी बहुत अपेक्षा हुई और जैसा विकास उनके नाम पर चाहिए था आज तक हुआ नहीं। एक विद्यालय उनके भाई पंडित स्वर्गीय राम लक्षण राय जी ने बनवाया, जो यहाँ इंटर कॉलेज, SSB इंटर कॉलेज के रूप में उपस्थित है, जिसमें हम लोग को सेवा करने का, पढ़ाई भी करने का और आज सेवा करने का मौका मिला। आदरणीय गुरु जी हम लोग के गुरु रहे हैं, उसी विद्यालय से आप इस समय रिटायर हैं। और कई बार हमने, कल्पनाथ राय जी थे, हम लोगों के कहने के बावजूद ही वो
मूर्ति जो है जो रोडवेज पे आप देख रहे हैं उस थोड़े से प्रयास में वही लगा था, लेकिन वो उसके लिए पर्याप्त नहीं, राणा खातून ने लगवाया था और वो पर्याप्त नहीं है। जो जिस व्यक्तित्व के वो आदमी थे, जिस व्यक्तित्व के धनी थे, जिसने देश की सेवा के लिए इतना कुछ किया, जिसका परिवार पूरा जेल में चला जाए, बच्चे पत्नी सभी लोग जेल में चले जाएं, तो इससे बड़ी उपेक्षा और क्या हो सकती है। और जितने यहाँ जनप्रतिनिधि लोग हुए हैं उनसे तो कुछ कल्पना करना भी बेकार है, कहा जाता है लेकिन सुनवाई होनी नहीं है। यानी उपेक्षा का ध्वंस झेल रहे हैं अलगुराय शास्त्री जी। पूरा अमिला झेल रहा है, शास्त्री जी का परिवार तो झेल ही रहा है, उसके साथ साथ पूरा अमिला झेल रहा है। हम और लोगों से भी बात करते हैं, क्या शुभ नाम पड़ेगा? योगेश राय। योगेश राय जी, जिस तरह की सारी बातें हो गई उनके राजनीतिक रण कौशल की, उनकी उपेक्षा की, क्या जनपद में क्या चाहते हैं उनके नाम पर, किस तरह का विकास हो? कम से कम एक स्मारक बन जाए उनके नाम से, चाहे कोई हॉस्पिटल का नामकरण हो जाए, चाहे ऐसा हो जाए, ताकि वो अच्छा लगे कि कुछ कितना बड़ा। तो जो उपेक्षा हुई है तो क्या उससे आप आहत महसूस कर रहे हैं अपने को? बहुत आहत महसूस कर रहा हूं, मैं तो उनका पौत्र ही हूं, आहत बहुत महसूस करता हूं। देखिए ये उनके पौत्र हैं और जिस तरह की निकाह उपेक्षा हो रही है, उनके नाम पर कोई स्मारक नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, सड़क का नाम भी नहीं, किसी सड़क का नाम नहीं। और एक कल्पनाथ राय जी के प्रयास से मऊ नगर पालिका परिषद की चेयरमैन तत्कालीन राणा खातून ने एक छोटी सी प्रतिमा रोडवेज के पास लगाई, लेकिन आज भी जाइए तो लगता है कि उस प्रतिमा की काफ़ी उपेक्षा हो रही है। और घोसी लाइव के माध्यम से शासन प्रशासन और तमाम जनप्रतिनिधियों से घोसी लाइव निवेदन करता है कि अब भी जागिए और इस आज़ाद भारत के प्रथम सांसद के प्रति अपने विकास की सोच का एक पैटर्न लाइए और उनके नाम पर जिले के अंदर कोई ऐतिहासिक काम कर डालिए। फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।